स्वागत है आप सभी का डाउटनेट पर। नया अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं आज से, जिसका नाम है पारितंत्र इकोसिस्टम। सो आज इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से पढ़िएगा, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है नीट की दृष्टि से। प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से, हर साल पूछे जाते हैं, 1 से 2 प्रश्न बनते हैं इस चैप्टर से, तो ध्यान से सुनिएगा बेटा। सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का परिचय देखेंगे, है ना, पारितंत्र की संरचना देखेंगे और उत्पादकता भी देखेंगे, ठीक है। तो कई सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं इस अध्याय में। आइए स्टार्ट करते हैं किसके बारे में पढ़ना, और लास्ट में क्विज भी आएगा। सो क्या होता है पारितंत्र? सबसे पहला प्रश्न, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं इको सिस्टम, क्या होता है ये पारितंत्र? देखिए, जो जो बिंदु मैं आपको लिखवाता जाऊंगा, उन बिंदुओं को अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा। एक 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 बिंदु जो मैं आपको लिखवाता जाऊंगा, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से जो बिंदु लिखवाता जाऊं लिखते जाइएगा। सबसे पहला बिंदु जो आ रहा है, फर्स्ट, वो ये कि ये पारितंत्र क्या होता है। ये समझने से पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा ये पारितंत्र शब्द किसने दिया था। तो याद रखना बेटा, पारितंत्र शब्द किसने दिया था, याद रखना, टेंसले ने। वैज्ञानिक का नाम क्या है? टेंसले। टेंसले वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इकोसिस्टम वर्ड इजाद किया था। सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, पारितंत्र को हम पर्यावरण की क्या बोलते हैं, या प्रकृति की क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। क्या बोला हमने? पारितंत्र को प्रकृति की क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। क्या बोले, फिर से सुनिए, पारितंत्र को प्रकृति की क्रियात्मक इकाई बोला जाता है। अब आप बोलेंगे, सर जी समझ में नहीं आया, प्रकृति की क्रियात्मक इकाई का मतलब क्या है? हाँ, यही वो वर्ड है जो समझ में नहीं आया होगा। पारितंत्र को प्रकृति की क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। मैंने कहा रुको, मैं तुमसे प्रश्न पूछता हूं, मुझे बताओ तुम्हारे शरीर की, मेरे शरीर की क्रियात्मक इकाई कौन है? सोचिए। आप बोलेंगे सर कोशिका। नहीं भाई, हमारे शरीर की क्रियात्मक इकाई कौन है? इकाई मतलब वन, सिंगल यूनिट जो काम कर रही है, कौन है? कोशिका। तो जिस तरीके से हमारे शरीर में काम करने वाली जो इकाई जो है वो कौन है? कोशिका। जहां पर फंक्शन हो रहे हैं, जहां पर कार्य हो रहा है, वो कौन है? कोशिका, है ना। अब हम पूछ रहे हैं कि हमारे प्रकृति जो हमारे आसपास मिल रही है, ये जो पूरा ब्रह्मांड जो मिल रहा है, इस पृथ्वी पर जो प्रकृति मिल रही है, जो एनवायरमेंट मिल रहा है, उसमें क्रियाएं कहां पर हो रही है, उसमें फंक्शन कहां पर हो रहे हैं? तो हमने बोला वो सारे फंक्शन कहां पर हो रहे हैं? पारितंत्र में। आप बोलेंगे सर अभी भी समझ में नहीं आया। मैंने कहा रुक, एक और तरीके से बताता हूं, ध्यान से देख। अब मैं आपको बताता हूं पारितंत्र है क्या, ध्यान से सुनना। तीसरा बिंदु, इसी को वापस से एक्सप्लेन करूंगा। तीसरा बिंदु, मैंने बोला पारितंत्र वह क्षेत्र है जहां सजीव तो समझ में आता है ना, लिविंग्स, सजीव, जिनको हम जैविक घटक बोलते हैं, और निर्जीव अजैविक घटक, अजैविक घटक कहते हैं, मिलते हैं। अब पूरी लाइन को जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला आपसे कि आपने समुद्र नाम सुना है? हाँ सर। नदी नाम सुना है? हाँ सर। जंगल नाम सुना है? हाँ सर। तालाब सुना है? हाँ सर, है ना। घास के मैदान सुना है? हाँ सर। डेजर्ट, मरुस्थल नाम सुना है? रेगिस्तान नाम सुना है? हाँ सर, बिल्कुल सुना है। ये सारी चीजें, जू, जंतु उद्यान, ये नाम सुना है? हाँ सर, बिल्कुल सुना है। तालाब, समुद्र और एक्वेरियम, जल जीवशाला जिसको हम बोलते हैं, ये नाम सुने हैं? इसमें से कुछ नहीं सुने होंगे, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। मैंने तुमसे बोला एक सिंपल सी बात, जंगल तुमने नाम सुना है? हाँ सर। जंगल में क्या मिल रहा है? सर जंगल में पेड़ पौधे मिल रहे हैं। वो पेड़ पौधे क्या है? सजीव है।
सर जंतु मिल रहे हैं, प्राणी मिल रहे हैं। मैंने कहा वो कौन है? आपने बोला सर सजीव। मृदा नहीं मिल रही है, मिट्टी नहीं मिल रही है, जरा सोचिए, प्रकाश नहीं आ रहा है वहां पर, आ रहा है। पानी नहीं मिल रहा है वहां पर, बिल्कुल मिल रहा है। तो जरा सोचिए वो सारे के सारे कारक क्या है? सर निर्जीव है। तो एक ऐसी जगह, एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा स्थान जहां पर दोनों चीजें मिलती है। अब जैसे ये रूम है, जिस रूम में मैं अभी खड़ा हूं, मैं कौन? सर सजीव। मेरे आसपास सूक्ष्म जीव भी है, वो भी क्या है? सजीव है। लेकिन जरा सोचिए ये है ना, ये बोर्ड, ये कैमरा, ये कंप्यूटर, ये सारी चीजें जो है, ये सारी क्या है? निर्जीव। तो जरा सोचिए एक ऐसी जगह, एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा स्थान जहां दोनों मिलते हैं, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? पारितंत्र कहा जाता है। जैसे जंगल कौन है? एक पारितंत्र है। नदियां कौन है? एक पारितंत्र है, याद रखना, ठीक है। अब जरा सोचिए इस प्रकृति पर, इस प्रकृति में, इस एनवायरमेंट में, इस पृथ्वी पे काम हो रहे हैं, हाँ सर, क्रियाएं हो रही है, हाँ सर, काम किए जा रहे हैं, हाँ सर, कहां पर किए जा रहे? एक क्षेत्र में किए जा रहे होंगे, हैं? नहीं, सोचो इस पृथ्वी पर जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, जो भी कार्य हो रहे हैं इस अर्थ पे, वो कहां पर हैं? किसी ना किसी क्षेत्र में हो रहे हैं। सर जंगल में कार्य हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। जरा सोचिए जंगल में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा, हाँ हो रहा है। जंगल में शिकार नहीं हो रहा, हाँ हो रहा है। जरा सोचिए जंगलों में कार्य हो रहे हैं, नदियों में कार्य हो रहे हैं, मरुस्थल में कार्य हो रहे हैं। ये पृथ्वी पर जितने भी कार्य हो रहे हैं, क्या निश्चित क्षेत्रों में हो रहे हैं? हाँ। क्या उन क्षेत्रों में ये दोनों मिल रहे हैं? हाँ। इस क्षेत्र को क्या बोला जाएगा? पारितंत्र। तो जरा सोचिए पारितंत्र क्या है? इस प्रकृति की वो इकाई है जहां पर क्या हो रही है? क्रियाएं हो रही हैं। अब बोल, अब समझ में आया, अब फील हुआ, अब दिल से दिल का नाता जुड़ा, कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? अब तो हो गया ना। क्या कि पारितंत्र वो जगह होती है, वो स्थान होता है, वो क्षेत्र होते हैं, वो एरिया होता है जहां पर दोनों मिलते हैं और मिलकर कुछ कार्य कर रहे हैं। क्या हो रहे हैं? कार्य हो रहे हैं। और अगर कार्य हो रहे हैं तो हम पारितंत्र को क्या बोलेंगे? इस पृथ्वी पर मिलने वाली ऐसी जगह जहां पर कार्य हो रहे हैं। डंडना डंडन, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, समझ में आ गया? पहला बिंदु, पारितंत्र शब्द किसने दिया? टेंस ले ने। दूसरा बिंदु, इसको मान लीजिए पारितंत्र है क्या? एक ऐसी जगह है जहां पर सजीव और निर्जीव, जैविक और अजैविक घटक दोनों मिलते हैं। अगर मिल रहे हैं तो काम हो रहा है, और अगर काम हो रहा है तो पारितंत्र जो है वो प्रकृति की क्या है? क्रियात्मक इकाई है। डन। कितने बिंदु हो गए हैं? 3। चल अब आप पूछेंगे चौथा बिंदु, सर ये जो पारितंत्र जो होता है, ये पारितंत्र जो होता है, ये बड़ा होता है कि छोटा होता है, और कितना बड़ा होता है और कितना छोटा होता है? तो हमने बोला पारितंत्र बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है, क्या बोला हमने? पारितंत्र जो है वो बहुत बड़ा हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बड़ा हो सकता है। जैसे भाई साहब समुद्र क्या है? पानी नहीं मिल रहा वहां पर, खनिज नहीं मिल रहे उसके अंदर, समुद्र के नीचे मिट्टी नहीं मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। ये सारी चीजें क्या है? निर्जीव है। क्या उसमें मछलियां, जलीय जीव नहीं मिल रहे? मिल रहे, वो क्या है? सजीव है। तो जरा सोचिए समुद्र जो है बहुत बड़े बड़े है, हाँ सर बड़े बड़े, तो बड़े बड़े समुद्र जो हैं वो क्या बना रहे हैं? बड़ा पारितंत्र बना रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी, तो जरा सोच समझ कर मुझे बताइएगा, पानी की बहुत छोटी बूंद किसकी? पानी की, किस नैनोमीटर, नैनोमीटर रेंज की, किसकी नैनोमीटर रेंज की? कौन? पानी की। अब आप मुझे बताएं क्या उस पानी की बूंद में पानी नहीं है? है सर। और पानी क्या हो गया? सर जी अजैविक घटक हो गया, यानी निर्जीव भाग। और उस पानी की बूंद में सूक्ष्म जीव नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो जरा सोचिए सूक्ष्म जीव जैविक कारक है या जैविक घटक है? और पानी की बूंद में जल के अणु क्या है? निर्जीव है। तो जरा सोचिए क्या पानी की बूंद
जो एक नैनोमीटर रेंज की थी, नैनोमीटर की रेंज की थी। जरा सोचिए क्या वो पारितंत्र नहीं है? यस है। तो पारितंत्र बेटा बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है, याद रखिएगा। डन, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल सी बात थी। चले आगे, चल कितने बिंदु हो गए हैं? चार। आगे बढ़ते हैं, पांचवा बिंदु। पांचवा बिंदु, अब हमने आपसे पूछा कि भाई साहब इस पारितंत्र की इकाई क्या है, क्या पारितंत्र किससे बना हुआ है? तो आप सीधा बोलेंगे सर पारितंत्र जो है, इकोसिस्टम जो है, दो चीजों से बना हुआ। मैंने कहा हाँ जी, कौन कौन? सर अजैविक कारक और जैविक कारक, सजीव और निजीव, निर्जीव, यही तो बोला ना, अजैविक कारक या अजैविक घटक बोल दीजिए, निर्जीवों से। हाँ जी, इन्हीं से ही बना होता है क्या पारितंत्र? और किससे? हमारे जैविक कारक, जैविक कारक या जैविक घटक यानी सजीव। आपने बोला यस सर, समझ में आ गया। अब जरा सोचिए, पिछले चैप्टर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या जैविक कारक? पिछले चैप्टर पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? सोचिए, हमने प्रकाश, तापमान, तापमान याद आ रहा है, जल और मृदा। दिमाग लगाएं, ये सारे के सारे क्या है? सर ये सारे के सारे हमारे अजैविक कारक, वायु भी आती है इसमें, है ना? तो ये क्या है? अजैविक कारक है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके। और जैविक कारक कौन से होंगे? सर ये भी हमने देखे थे कि नहीं देखे थे? ये सब थे, कौन थे? पादप थे, आपके प्राणी थे, सूक्ष्म जीव थे। अब इस चैप्टर में हम क्या करते हैं, ये जो जैविक घटक जो है ना, सजीव जो है, इनको तीन भागों में बांटते हैं। बस थोड़ा सा अलग तरीके से बांट दिया इस चैप्टर में। क्या तीन प्रकार के आपके क्या हैं जैविक कारक हैं? कौन? एक है उत्पादक, एक है उपभोक्ता और एक है आपके अपघटक। काका सर जी वापस से बताइए। अच्छा, इनको अंग्रेजी में भी बता दीजिए सर जी। ये तो पता है ना, लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, सॉइल है। उत्पादक को हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकंपोजर। ठीक है, सो ये हमारे क्या हैं? जैविक। अब आप मुझे बताइए, इस पृथ्वी पर जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे होते हैं, है ना, पादप होते हैं, वो किस श्रेणी में आ जाएंगे? सर उत्पादक, है ना। प्राणी जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, वो क्या खाते हैं? इनको खाते हैं, यानी क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता। और जब ये दोनों मर जाते हैं, पेड़ पौधे मर जाते हैं, प्राणी मर जाते हैं, जब ये मर जाते हैं मिट्टी में, जब इनका शरीर जब चला जाता है मृदा में, तो इनके शरीर का क्या होता है? सर अपघटन होता है। अपघटक, जैसे आपके जीवाणु, बैक्टीरिया, फंजाई, फफूंदी, फंगस, ये क्या कहलाते हैं? आपके अपघटक कहलाते हैं। तो इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं, हमने उनको तीन श्रेणी में बांट दिया। वो जो अपना खाना खुद बनाएंगे, वो जो दूसरों से लेंगे, और वो जो मरे गले सड़े पदार्थों से अपना पोषण लेंगे। जो खुद बनाएंगे उत्पादक, जो दूसरों से लेंगे उपभोक्ता, जो गले सड़े मृत पदार्थों से लेंगे अपघटक। खत्म कहलाते, इतनी सी बात। डंडना डंडन। तो इस तरीके से हमने पारितंत्र के दो भागों को देखा है, दो इकाइयों को देखा है, एक अजैविक घटक और एक जैविक घटक। अजैविक घटक ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और ये क्या थे? हमारे जैविक घटक है। डन, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलें आगे, कितने बिंदु हो गए मेरे दोस्त? पांच। छठा। अब आप पूछेंगे सर ये जो पारितंत्र जो होता है, इसके प्रकार कितने होते हैं? पारितंत्र के प्रकार, किसके प्रकार देखने वाले बेटा? यहां पर हम पारितंत्र के प्रकार। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, पारितंत्र क्या था? जगह थी ना, एरिया था ना, जगह थी ना भाई। सीधे से एग्जांपल से मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो ये रूम क्या है सर? एक ऐसी जगह है जहां पर आप हो, ये भी है, ये क्या है? निर्जीव। मैं क्या हूं? सजीव। जिस जगह पर सजीव और निर्जीव दोनों मिले, वो है पारितंत्र। अब मैंने बोला पारितंत्र क्या है? क्षेत्र है ना,
पारितंत्र क्षेत्र ही तो है ना। अब वो क्षेत्र या तो स्थलीय हो सकता है या जलीय हो सकता है, या तो स्थल होगा या जल होगा। सर वायु नहीं होगी मेरे दोस्त, वायु में जो भी जीव होते हैं हमेशा वायु में तो नहीं रहते, आना तो पड़ता है ना, या तो स्थल पर आते हैं या जल में भी चले जाते हैं। हाँ जी, तो कोई भी जीव पूरी जिंदगी भर वायु में नहीं रह सकता है, याद रखिएगा इसको, कोई भी जीव पूरी जिंदगी भर वायु में नहीं रह सकता है। हाँ, कुछ समय के लिए वायु में जा सकता है, उड़ सकता है, लेकिन आना तो या तो स्थल पर आते हैं या जल में भी चले जाते हैं। हाँ जी, तो कोई भी जीव पूरी जिंदगी भर वायु में नहीं रह सकता है, याद रखिएगा इसको, कोई भी जीव पूरी जिंदगी भर वायु में नहीं रह सकता है। हाँ, कुछ समय के लिए वायु में जा सकता है, उड़ सकता है, लेकिन आना तो जमीन पर ही पड़ेगा ना, या पानी में आना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपका पारितंत्र जो होते हैं वो दो प्रकार का होता है, एक होता है स्थलीय पारितंत्र और एक होता है बेटा जलीय पारितंत्र। ठीक है, चलिए ठीक है सर, अब इसके एग्जाम्पल बताइए। मैं बहुत सिंपल तरीके से तुमसे पूछता हूँ, मुझे बताओ जंगल कहाँ पर रखे जाएंगे? सर यहाँ पर, घास के मैदान, घास के मैदान, घास के मैदान क्या है सर? ये भी स्थलीय पारितंत्र है। सोचिए, खुद सोचिए, जंगल हो गया, घास के मैदान हो गए, मरुस्थल हो गया, ठीक है, पर्वत श्रृंखलाएं हो गई है, ठीक है जी, ये सारे क्या है मेरे दोस्त? सर ये स्थलीय पारितंत्र। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने ये नाम सुना है? हाँ सर, बिल्कुल सुना है, जू, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राणी उपवन बोलते हैं, सुना है ना सभी ने? हाँ सर, जू। अब आप मुझे बताइएगा, इन उदाहरणों को देखिए और सोच समझ कर मुझे बताइएगा, इनमें से कौन सा प्राकृतिक स्थलीय पारितंत्र है और कौन सा कृत्रिम है? जरा सोचिए, जू क्या है? एक ऐसी जगह जहां जानवरों को रखा गया है, क्या वो मृदा नहीं है? है ना, दीवारें नहीं है बनी हुई है ना, पानी नहीं है, है? तो जरा सोचिए, ये भी क्या हो गया? एक पारितंत्र हो गया, लेकिन कैसा है? स्थलीय, लेकिन कैसा? क्या ये कृत्रिम है कि प्राकृतिक है? सर ये सारे तो कैसे है? प्राकृतिक है। और ये कैसा है? कृत्रिम है, यानी मानव निर्मित है। ठीक है, इनका निर्माण, जंगल हमने नहीं बनाया मेरे दोस्त, जंगल पहले से है, घास के मैदान हमने नहीं बनाया, मरुस्थल हमने नहीं बनाया, पर्वत श्रृंखला हमने नहीं बनाई, ये सारे के सारे प्राकृतिक हैं। और जू जो है, प्राणी उपवन जो है, वो कैसा है? कृत्रिम है। ओके सर, डंडना डंड। अब आ जाते किसकी बात करते हैं? जलीय पारितंत्र की। ठीक है, आप मुझे बताए, नदियां, तालाब, झील, समुद्र, नाम सभी ने सुना है, सभी ने, नदियां, झील, तालाब, समुद्र है, नाम सभी ने सुना है, क्या ये नाम सुना है? ज्वार नदमुख, नहीं सर, ये नहीं सुना, अभी बता रहा हूं। और एक और नाम, जल, याद रखना, जल जीव शाला, जल जीव शाला। सर ये क्या है बेटा? इसको एक्वेरियम बोलते हैं। आपने देखा होगा कई लोगों के घर में ये एक्वेरियम होता है, कांच का वो होता है, कांच का होता है जिसके अंदर पानी होता है और मछलियां रख लेते हैं घरों में, है ना, एक्वेरियम। सभी ने सुना, जल जीवशाला बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं एक्वेरियम को? जल जीवशाला। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, आप मुझे बताइएगा, क्या एक्वेरियम जो है, ये एक्वेरियम जो है, जल जीवशाला, क्या ये प्राकृतिक है कि मानव निर्मित है? मानव निर्मित है, तो ये एक कृत्रिम जलीय पारितंत्र। लेकिन ये सारे क्या है? प्राकृतिक।
मुझे पता है आप पूछेंगे सर ये ज्वार नदमु क्या है, मैंने कहा रुको बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले फील तो करो, कनेक्ट तो करो। नदियां हमने नहीं बनाई, तालाब हमने नहीं बनाए, झील हमने नहीं बनाई, समुद्र हमने नहीं बनाए, ये ज्वार नदमु क्या होता अभी बताऊंगा, लेकिन याद रखना ये भी हमने नहीं बनाए, सारे के सारे क्या है, प्राकृतिक जलीय पारितंत्र। और एक्वेरियम हमने बनाया भाई, कांच की दीवारों से बनाकर एक हमने यंत्र सा बना दिया है जिसके अंदर हमने पानी डाल दिया, मछलियां डाल दी है, ये क्या है, कृत्रिम जलीय पारितंत्र। ओके सर, सारी चीज समझ में आ गई। सर ये ज्वार नदमुख क्या होता है, मैंने कहा आइए देखते हैं ज्वार नदमुख क्या है। देखिए कई कई बार आपने सेवंथ एट्थ क्लास में जब आप SST पढ़ते थे, सोशल साइंस पढ़ते थे, सामाजिक विज्ञान पढ़ते थे, तो वहां पर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, भूगोल पढ़ा होगा, पढ़ा होगा कि नदियां जो होती हैं, कौन बेटा, नदियां जो होती हैं, मान लो ये नदियां हैं, ये नदियां किसमें आकर खुलती हैं सर, ये बड़े बड़े समुद्रों में आकर खुलती हैं, किसमें आकर खुल रही हैं सर, ये समुद्र में आकर खुलती, यस ओपन, ये नदी ये किसमें आकर ओपन हो रही है, समुद्र। ओके, अब ये नदी का ये वाला हिस्सा क्या, ये नदी का मुख है, मुख, ये नदी का मुख है, ये इस नदी का मुख है, तो ये वो जगह है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ज्वार मुख। तो नाम में जरा सोचिए, नदमुख मतलब नदी का मुख जो किसमें आकर खुल रहा है, ज्वार के रूप में, किसमें लहरें आएंगी, किसमें समुद्र में आएंगी, नदियों का पानी जब समुद्र में आएगा तो ज्वार आएगा, और वो ज्वार जहां पर आएगा वो क्या है, नदी का मुख है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ज्वार नदमुख बोलते हैं। तो जरा सोचिए क्या ये भी हमने बनाया, क्या नहीं ना, ये भी क्या है, प्राकृतिक जलीय पारितंत्र है। आशा करते हैं आपको ये 6 बिंदु सिंपल से समझ में आ गए होंगे। डन, चलें आगे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं था, बड़े आगे आइए। अब 7वां बिंदु जो है वो हालांकि इस चैप्टर से संबंधित नहीं है, लेकिन आपको पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इस चैप्टर में कहीं ना कहीं उसका रोल आएगा। 7वां बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनना, इस तरीके से हमारी बुक में बता नहीं रखा है, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको समझाऊं। देखिए 2 शब्द होते हैं, एक होता है आवास, जिसको हम बोलते हैं हैबिटेट, क्या बोलते हैं, हैबिटेट, और एक होता है निश, जिसको हम निकेत भी बोलते हैं, निकेत, ठीक है, आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखे होंगे, उसमें भी ये वर्ड मिलता होगा, है ना, निकेत, इससे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, याद रखना निकेत से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये निश, निकेत, ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, निश ही बोलते हैं, ठीक है, याद रखना, ठीक है। इसका एक और मीनिंग और होता है कर्मता, कर्मता। चलिए आइए समझते हैं सर ये दोनों वर्ड का मीनिंग क्या है, दोनों वर्ड की अहमियता को हमें समझना है, क्या होता है आवास और क्या होता है निश। चलिए कोई भी बालक दिमाग लगा के सोचो, आवास का मतलब क्या होएगा सर, आवास का मतलब वो जगह जहां पर कोई जीव रहता है भाई, यही तो होता है, यही तो सुना है आपने, आवास का मतलब वो जगह जहां पर कोई जीव रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, आवास। जैसे मैं अपने घर में रह रहा हूं तो मेरा घर मेरा आवास, मैं यहां पर डाउटनट में काम कर रहा हूं, यहां पर रह रहा हूं, ये मेरा आवास है, नहीं 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 सर, हमने तो यही सुना था, आवास का मतलब जहां पर कोई जीव रहता है, हाँ ठीक है, लेकिन एक वर्ड खा गए तुम, क्या याद रखना, वो प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें जीव रहता है, प्राकृतिक पर्यावरण या प्राकृतिक पर्यावरण ही लिख देते हैं, या प्राकृतिक क्षेत्र जिसमें जीव रहते हैं, जिसमें जीव
सर समझ नहीं आया। मैंने कहा ले दो उदाहरण उससे बताता हूँ। मैंने बोला एक मेरा घर है जिसमें मैं रह रहा हूँ, और मैंने बोला एक पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है, और उस पहाड़ पर मैं रह रहा। अब जरा सोच, एक मैं अपने घर में रह रहा हूं और एक मैं पहाड़ पर रह रहा हूं, ठीक है। अब दिमाग लगाइए, पहाड़ पर, बस वहीं पर, पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ पे जो चट्टाने उन पर सो रहा हूं, उन पर रह रहा हूं, कोई घर वर नहीं है, कुछ नहीं, बस वहीं पर रह रहा हूं। अब आप मुझे बताओ, सोच समझ कर, इनमें से कौन सा मेरा आवास कहलाएगा? तो याद रखना, वो प्राकृतिक जगह जिसमें जीव रहते हैं उसको हम बोलते हैं उनका हैबिटेट, उनका आवास। मैंने जो घर बनाया था ये कृत्रिम था, ये मेरा आवास नहीं कहलाएगा, ये तो कृत्रिम जगह है, ये जो मैंने बनाई है ये तो कृत्रिम क्षेत्र है, ये मेरा आवास नहीं कहलाएगा। तो याद रखना, प्राकृतिक क्षेत्र जिसमें जीव रहते हैं वो उनका क्या कहलाता है? आवास कहलाता है। अब जरा सोचिए, क्या जंगल जीवों का आवास नहीं है? क्या बड़ी बड़ी चट्टाने जीवों का आवास नहीं है? जरा सोचिए, आपने देखा होगा चट्टानों पर शेर आकर सोते हैं, रहते हैं वहां पर, है ना, जंगलों में भी रहते हैं, जंगल में और भी कई सारे जीव रहते हैं, ठीक है। तो दिमाग लगाइए, क्या कि आवास क्या है? प्राकृतिक जगह है, प्राकृतिक क्षेत्र, प्राकृतिक स्थान जहां पर जीव रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आवास। डंडना डंडन, समझ में आ गया। अब अगला प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे ये बताइएगा, क्या कई जीव एक आवास में रह सकते हैं? कई जीव एक आवास में रह सकते हैं? कई जीव एक आवास में रह सकते हैं? सोचिए, दिमाग लगाइए, सोचिए, दिमाग लगाइए। भाई साहब, हमने आपको क्या बोला? आवास क्या है? प्राकृतिक जगह है। देखिए, ये चैप्टर जो है मेरे दोस्त, ये कोई पाचन तंत्र वाला नहीं है, या ये कोई मानव जनन वाला नहीं है, या ये कोई आपका जेनेटिक्स नहीं है जिसमें इंटरेस्ट आएगा। चीजें बोरिंग होती हैं, नींद भी आ जाती है, निन्नी आ जाती है, लेकिन आपने सोना नहीं है, आपने कनेक्ट करना है, आपने फील करना है। क्योंकि मेरे दोस्त, देख, हर चीज इंटरेस्टिंग नहीं हो सकती है, लेकिन हर चीज से प्रश्न आएंगे तो आपको इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? ये मत सोचिएगा ये इंटरेस्टिंग नहीं है तो छोड़ देते हैं, नंबर कट जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। इंटरेस्ट पैदा करने पड़ेगा। भाई, मैं तुमसे सीधी सी बात पूछ रहा हूँ, एक एग्जांपल से। प्राकृतिक क्षेत्र जिसमें जीव रहते हैं उनका क्या कहलाता है? सर, आवास कहलाता है, बस खत्म, इतनी सी बात। जैसे मैंने बोला जंगल क्या है? जीवों का आवास है। सर, वहां पर शेर भी रह रहे हैं, सर वहां पर आपके हिरण भी रह रहे हैं, सर वहां पर तेंदुए भी रह रहे हैं, जरा सोच, दिमाग लगाए, हैं, आपके हाथी भी रह रहे हैं, कई प्रकार के जीव, पादप भी रह रहे हैं, अलग अलग प्रकार के पादप रह रहे हैं। तो क्या कई जीव एक आवास में रह सकते हैं? यस, बिल्कुल रह सकते हैं। एक जंगल में, एक जंगल जो है वो आवास है कई जीवों का, कई जीव वहां पर रह रहे हैं, जो उनका प्राकृतिक क्षेत्र है जहां पर वो रह रहे हैं, एक ही आवास में कई सारे जीव रह रहे हैं। ओके, डंडना डंडन, नॉर्मल सा था, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं इस पर, और इस पर हम लगा दिए स्टार, क्योंकि यहां पर मेरे दोस्त प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जरा इस वर्ड को जरा देखना, कर्मता, इसको कनेक्ट करना, इस वर्ड का मीनिंग समझना, कर्मता। मैंने बोला कर्म ही धर्म है नहीं, मैंने बोला आप मुझे बताइएगा, क्या मैं इस पृथ्वी पर जब मैं आया हूं तो कोई अपने पारितंत्र में कोई क्रियाशीलता दिखा रहा हूं? सोचिए, बाघ जब इस पृथ्वी पर आया है तो कोई डेफिनेट फंक्शन दर्शा रहा है? लोमड़ी जब इस पृथ्वी पर आई है तो कोई फंक्शन दर्शा रही है? पेड़ पौधे इस पृथ्वी पर आए हैं तो कोई फंक्शन कर रहे हैं? हाँ सर, हर एक समष्टि का, हर एक जाति के जीवों का क्या होता है? निश्चित कार्य होता है। क्या होता है? हर एक जाति के जीवों का निश्चित कार्य होता है। हमारा कुछ निश्चित कार्य है, बाघों का कुछ निश्चित कार्य है, शेरों का कुछ निश्चित कार्य है, लोमड़ी का कुछ निश्चित कार्य है। पा नहीं समझ में आया सर, है ना, हम समझाएंगे आपको। देखिए, यहां पर वर्ड आ रहा है स्तरीकरण में, स्तर वर्ड आ रहा है, स्तर आ रहा है। इसका एक बहुत सीधा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। देखिए, मैं गया एक जंगल में, जंगल क्या है सर? एक पारितंत्र है,
मैं गया किसमें, एक जंगल में, और जंगल क्या है सर, एक पारितंत्र है। मैंने कहा ठीक, मैं गया जंगल में, जंगल क्या है, एक पारितंत्र, और जंगल में मैंने जाकर देखा, जंगल में जाकर मैंने देखा जो वहां पर जो जमीन थी, जंगल की जो जमीन थी उसमें कुछ जीव बड़े बड़े थे, बड़े बड़े थे, हाँ जी बिल्कुल थे, जिनको हमने बोला वृक्ष। क्या बोला, वृक्ष, डन, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर और मैंने देखा इसी जंगल में, और मैंने देखा सर इसी जंगल में मैंने और क्या देखा सर, पेड़ों में ही देखा, पेड़ पौधों में सर, मैंने यहां पर झाड़ियां देखी, क्या देखी, झाड़ियां देख ली, ठीक है। फिर और क्या देखा सर मैंने, मैंने देखा यहां पर घास भी थी, क्या देखी, घास भी देख ली। अब आप मुझे बताइएगा, क्या यहां पर इस जंगल जो एक पारितंत्र है, क्या इस जंगल में यानी इस पारितंत्र में क्या हमने जातियों को देखा, कैसे, बटते हुए, अलग अलग स्तरों में बटते हुए, उच्च से निम्न स्तरों में बटते हुए देखा, कि प्रथम स्तर पर कौन आ गए हैं, प्रथम स्तर पर, प्रथम स्तर पर कौन थे, बड़े बड़े कौन थे सर, वृक्ष। द्वितीय स्तर पर हमने किसको देखा, द्वितीय स्तर पर हमने किसको देखा सर, झाड़ियों को देखा। तृतीय स्तर पर हमने किसको देखा सर, हमने घास को देखा। क्या हमने इस पारितंत्र में, इस पारितंत्र में, जंगल जो एक पारितंत्र है, क्या हमने यहां पर जातियों को डिसेंडिंग ऑर्डर में, उच्च से निम्न में, ऊर्ध्वाधर रूप से बटते हुए देखा, हाँ देखा। यही क्या कहलाता है, स्तरीकरण कहलाता है, इसे ही बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। तो ये हर पारितंत्र में मिलता है, ये था लक्षण किसका, पारितंत्र का। हर पारितंत्र में जीव जो होते हैं उनको बांट दिया जाता है, उनको स्तरों में बांट दिया है कि बड़े छोटे और छोटे, जो यहां पर ये जो संगठित हो रहे हैं प्रजातियां एक पारितंत्र में, वो एक स्तर में बट जाती है, यही क्या कहलाता है आपका, स्तरीकरण। और ये दो मेन लक्षण थे किसके, पारितंत्र के। समझ में आ गया। सो ये हमने टोटल कितने बिंदु पढ़ लिए बेटा जी, 7। अब यहां पर हम बात करने वाले हैं मेरे भाई, हमने बोला कि भैया पारितंत्र जो है, उस पारितंत्र के जो जैविक घटक हैं कौन, ये 3, इनमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे क्या, उत्पादक। आइए बात करते हैं किसकी बेटा जी, यहां पर उत्पादक की, इसकी बात कर रहे हैं उत्पादक की यानी प्रोड्यूसर की। इसकी बात करने वाले हैं उत्पादक की यानी प्रोड्यूसर की, ठीक है सर। क्या होता है उत्पादक का मतलब क्या होता है भैया, सीधी सी बात है, जो उत्पादन करेगा। क्या बोला, उत्पादक कौन होते हैं, जो उत्पादन करते हैं, जो उत्पादन करते हैं, मतलब जो भोजन बनाएंगे, सीधी सी बात है, जो क्या करेंगे, भोजन बनाएंगे। नहीं आया समझ में, अरे भैया मेरे को एक बात बताओ, पेड़ पौधे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या मैं उनको उत्पादक नहीं बोलूंगा, क्यों, क्योंकि वो पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे। भोजन क्या है, उत्पाद है कि नहीं है, बिल्कुल खत्म, खल्लास, इतनी सी बात है, बच्चों वाली चीज है ना। अब अगर हम इसको परिभाषा के रूप में देखें, परिभाषा के रूप में, तो उत्पादकता का मतलब क्या होगा, देखिए एक है उत्पादक, मैंने यहां पर गलती क्या कर दी है, मैंने इसको प्रोड्यूसर बोल दिया है, उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी, और उत्पादक मतलब, उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर, दो अलग अलग चीजें हैं। उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर, पेड़ पौधे क्या है, उत्पादक है, हाँ है, क्या कर रहे हैं, उत्पाद पैदा करते हैं, जो उत्पाद पैदा करे, जो उत्पादन करे, वो तो क्या कहलाएंगे, उत्पादक। और जिस दर से, जिस दर से जैव भार का
बायोमास का, जिस दर से जैव भार का, बायोमास का उत्पादन हो या निर्माण हो, उसे हम बोलते हैं उस जीव की उत्पादकता। अब बोलेंगे सर कुछ समझ में नहीं आया, है ना? देखिए आइए सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूं। देखिएगा, आगे बढ़ने से पहले पहले इस शब्द को समझते हैं। सर ये जैव भार क्या होता है? सर ये जैव भार का मतलब क्या होता है? ये बायोमास क्या होता है? तो जैव भार का मतलब होता है कुल कार्बनिक पदार्थ। जैव भार का मतलब क्या होता है? कुल कार्बनिक पदार्थ जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जैव भार। अब सर ये कुल कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? कुल कार्बनिक पदार्थ का मतलब क्या होता है? आइए समझते हैं बेटा इसको। देखिए बेटा, हर जीव के अंदर ना दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। हर जीव के अंदर, किसी भी जीव की अगर मैं बात करता हूं तो हर जीव के अंदर दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, और ये आप पढ़ भी चुके हों, केमिस्ट्री में भी आता है। एक होता है कार्बनिक पदार्थ, एक होते हैं क्या? कार्बनिक पदार्थ, और एक होते हैं अकार्बनिक पदार्थ। क्या बोला मैंने? एक होते हैं कार्बनिक पदार्थ और एक होते हैं अकार्बनिक पदार्थ। सर कार्बनिक पदार्थ कैसे? सर शर्करा जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, ये सारे क्या कहलाते हैं? कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ का मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होती है उसको हम बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ। अब आप मुझे बताएं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या ये कार्बनिक पदार्थ है कि अकार्बनिक? सर अकार्बनिक पदार्थ है। समझ में आया? सिंपल सा था, कोई कंफ्यूजन तो नहीं था, याद रखिएगा। जैसे एक और एग्जांपल बता तू, देखिएगा। देखिए प्रोटीन की जब मैं बात करता हूं तो प्रोटीन क्या है? सर कार्बनिक पदार्थ है। प्रोटीन क्या है? एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है, जटिल। ठीक है, ये जब टूटता है, ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ते हैं हम पाचन, ये जटिल कार्बनिक पदार्थ जब टूटता है, इसको एंजाइम जब तोड़ते हैं, ये टूटता है किसमें? अमीनो अम्ल में। किसमें टूटता है? ये अमीनो अम्ल में, जिसको हम क्या बोलते हैं? सरल कार्बनिक पदार्थ। समझना, फील करना, क्या हजारों अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल में क्या मिलता है? कार्बन हाइड्रोजन मिलते हैं। अमीनो अम्ल में क्या मिलते हैं? कार्बन हाइड्रोजन मिलते हैं, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है? कार्बनिक पदार्थ। फिर से सुनना, क्या बोला? अमीनो अम्ल जो होता है ना उसमें क्या मिलता है? कार्बन हाइड्रोजन मिलते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं। लेकिन जरा सोचिए, हजार अमीनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं? एक प्रोटीन बना रहे हैं। सपोज हजारों करोड़ों अमीनो अम्ल मिलकर क्या बना रहे हैं? प्रोटीन बना रहे हैं। तो कौन जटिल और कौन सरल? तो सर प्रोटीन कहलाएगा जटिल कार्बनिक पदार्थ, और उसकी इकाइयां जो होंगी जिनसे वो बना हुआ है प्रोटीन, वो क्या कहलाएगा? सरल कार्बनिक पदार्थ। डन, कोई कंफ्यूजन तो नहीं था, चले आगे। अब देखिए, हमने और अमीनो अम्ल को तोड़ा। अमीनो अम्ल किससे बने होते हैं? सर अमीनो अम्ल बने होते हैं कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से। जब हम इन कार्बन को अलग कर दे, हाइड्रोजन को अलग कर दे, ऑक्सीजन को अलग कर दे, नाइट्रोजन को अलग कर दे, तो ये अब इंडिविजुअल अकेला कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन के साथ नहीं जुड़ा हुआ, अकेला कार्बन अकार्बन, अकेला अकेला हाइड्रोजन अकार्बन, अकेला ऑक्सीजन अकार्बनिक पदार्थ है, अकेला नाइट्रोजन अकार्बनिक पदार्थ है। यानी हम इस सरल कार्बनिक पदार्थ को और तोड़ते हैं तो क्या मिल जाते हैं? हमें अकार्बनिक पदार्थ मिलते हैं। आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई। दिमाग में बस इतना सा याद रखना, कार्बनिक पदार्थ मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की क्या मिलती है? श्रृंखला मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बनिक पदार्थ। जिसमें नहीं मिलेगी अकार्बनिक पदार्थ। सिंपल, एक कार्बन, कार्बन जैसे मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक पदार्थ है क्या? नहीं, क्योंकि उसमें कार्बन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन नहीं है। समझ में आया? कैल्शियम कार्बोनेट क्या कार्बनिक पदार्थ है? नहीं, नहीं, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है। जल H2O कार्बनिक पदार्थ है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो आई होप आपको यह चीज समझ में आ गई होगी। अब जरा सोचिए, मैं क्या हूं? एक सजीव हूं, हाँ हूं।
मेरे अंदर कार्बनिक पदार्थ है, हाँ है। क्या मेरे अंदर प्रोटीन है, हाँ है। कार्बोहाइड्रेट है, हाँ है। लिपिड है, हाँ है। विटामिन है, हाँ है। न्यूक्लिक अम्ल है, हाँ है। ये सारे के सारे जितने भी कार्बनिक पदार्थ होंगे वो टोटल कार्बनिक पदार्थ, कुल कार्बनिक पदार्थ क्या कहलाता है, जैव भार कहलाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, जैव भार। और जिस दर से, जिस स्पीड से, जिस रेट से एक उत्पादक जैव भार बनाता है, जिस दर से वो जैव भार बनाता है, वो उसकी क्या कहलाती है, उत्पादकता कहलाती है। वो उसकी क्या कहलाती है, प्रोडक्टिविटी कहलाती है। एक प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट बनाएगा, जिस रेट से बनाएगा, जिस स्पीड से बनाएगा, वो उसकी क्या कहलाएगी, प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। और क्या बना रहा है वो प्रोडक्ट, क्या बना रहा है सर, बायोमास बना रहा है, जैव भार बना रहा है। डन, कोई तकलीफ तो नहीं थी, कंफ्यूजन तो नहीं था। अब आप मुझे बताएं, प्रोड्यूसर होते कौन है सर, ये उत्पादक होते कौन है? अरे भैया, उत्पादक कौन होते हैं, आपके पेड़ पौधे होते हैं मुख्य रूप से। तो जरा सोचिए, वो उत्पाद कैसे पैदा करते हैं, कौन सी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं? सर, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा बिंदु, उत्पादक सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। सौर ऊर्जा जो होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। प्रकाश सौर ऊर्जा है, ऊर्जा का एक प्रकार ही तो है ना, लाइट एनर्जी है। और इस सौर ऊर्जा को बदलते हैं किसमें, रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। क्या सर समझ में नहीं आया? देख मेरे भाई, पेड़ पौधों ने क्या लिया, प्रकाश लिया। प्रकाश क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा ही तो है, है? और उस प्रकाश को यूज में लेकर, सौर ऊर्जा को यूज में लेकर भोजन बनाया। भोजन क्या है, रसायन नहीं है, रसायन ही। और उस रसायन से क्या मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है। तो मैं उसको क्या बोलूंगा, वो जो भोजन जो है वो एक प्रकार का रसायन है जो ऊर्जा प्रदान करेगा, क्या बोलूंगा, रासायनिक ऊर्जा। तो प्रकाशीय ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है, उत्पादक करता है। सौर ऊर्जा पर निर्भर होता है। यहां तक कोई दिक्कत, चले आगे। चलिए नेक्स्ट, तीसरा बिंदु, ध्यान से सुनो, तीसरा बिंदु। अब हम यहां पर बात करने वाले हैं उत्पादक के प्रकार की। इसके प्रकार की सर, उत्पादक के प्रकार की बात करने वाले हैं। जी हाँ, उत्पादक के प्रकार की, या मैं बोल दूंगा उत्पादकता के प्रकार की। उत्पादक के प्रकार की नहीं, उत्पादकता के प्रकार की बात करते हैं। देखिए, उत्पादकता जो होती है वो किसकी होती है सर, कैसी बात कर रहे हैं, बार बार उत्पादक 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 उत्पाद उत्पादक बार बार यही चल रहा है भाई। सिंपल सा, उत्पादकता किसकी होती है, उत्पादक की होती है। प्रोडक्टिविटी किसकी होती है, प्रोड्यूसर की होती है। ये प्रोडक्टिविटी दो प्रकार की होती है मेरे भाई, गौर से सुनना, आराम से सुनना, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं नीट में, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है। देखिए, उत्पादकता जो है वो दो प्रकार की है। एक होती है प्राथमिक उत्पादकता, प्राथमिक उत्पादकता, और एक है द्वितीय उत्पादकता। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए, प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है, द्वितीय उत्पादकता क्या होती है, इसको समझाने के लिए एक लाइन में लिख देता हूं, एक लाइन लिख देता हूं, फिर आराम से समझ में आ जाएगा। एक लाइन लिख रहा हूं, बस सिंपल सी लाइन लिख रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना। वो उत्पादकता जो स्वपोषी दर्शाते हैं, वो उत्पादकता जो स्वपोषी निर्मित करते हैं, वो उत्पादकता जो स्वपोषी या उत्पादक निर्मित करते हैं, ठीक है, ये लाइन लिखी। इधर क्या लिख रहे, वो उत्पादकता जो परपोषी या उपभोक्ता निर्मित करते हैं, सर क्या है ये, समझ नहीं आया? मैंने कहा रुको, सब्र करो, आएगा। देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आप सभी ने एक वर्ड सुना होगा, खाद्य श्रृंखला, सुना है खाद्य श्रृंखला, इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे फूड चेन। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनना। मैंने बोला घास को खाया किसने, खरगोश ने। खरगोश को खाया किसने, लोमड़ी ने।
लोमड़ी को खाया किसने? शेर ने। तो क्या हमने यहां पर एक श्रृंखला देखी, हमने एक चेन देखी, चेन जिसमें खाद्य पदार्थ जो था, भोजन जो था वो जा रहा था, भोजन रासायनिक ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में जा रही है, ये श्रृंखला क्या कहलाती है? खाद्य श्रृंखला। दसवीं कक्षा में आ जाता है, बहुत सीधी सी बात है, ठीक है। अब इधर देखना, ध्यान से सुनना, आप मुझे बताइएगा क्या यहां पर घास जो है क्या ये एक उत्पादक है क्या उपभोक्ता है? सर ये तो उत्पादक है, ठीक है। सर ये तो उत्पादक है, मैंने कहा ठीक है। ये कौन है? सर ये इसका भोजन ले रहा था, इससे भोजन ले रहा था, ये उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, कंज्यूम कर रहा था इसको। ये तो प्रकाश संश्लेषण से अपना खाना बना रहा है, कौन? घास। ये थोड़ा ना प्रकाश संश्लेषण करता है, ये तो इसको खा जाता है, तो ये क्या है? उपभोक्ता है। सर ये भी उपभोक्ता है, मैंने कहा ठीक है, और ये भी उपभोक्ता है, ठीक है जी, ओके, नो प्रॉब्लम, डंडन आ डंडन, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला क्या उत्पादक के अंदर भोजन था? हाँ सर। अरे भैया घास में भोजन था कि नहीं था? था ना, उत्पाद था ना, कार्बनिक पदार्थ था कि नहीं था? था ना। और इस उत्पाद को, इसके उत्पाद को, इसके उत्पाद को इसने खा लिया, खा लिया। तो ये उत्पादकता, ये जो उत्पाद बनाया था, ये किसने बनाया था? सबसे पहले किसने बनाया इस खाद्य श्रृंखला में उत्पाद? सबसे पहले किसने बनाया? इस उत्पादक ने बनाया नहीं बनाया? इस स्वपोषी ने बनाया नहीं बनाया? तो इसकी उत्पादकता, इसकी स्वपोषी की उत्पादकता, कहीं ना कहीं स्वपोषी की उत्पादकता या उत्पादक की उत्पादकता क्या कहलाती है? प्राथमिक उत्पादकता। सबसे प्रथम उत्पाद किसने बनाया भैया? किसी ने ही तो बनाया, ठीक है सर। ये तो समझ में आ गया कि प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है, वो उत्पादकता जो कौन पैदा करते हैं? स्वपोषी पैदा करते हैं, स्वपोषी पैदा करते हैं, उत्पादक पैदा करते हैं, डन। अब इधर देख सर, इसने खाना खा लिया? हाँ खा लिया, खरगोश ने खाना खा लिया। अब इसके अंदर उत्पाद नहीं बनेंगे। जरा सोचिए, अगर लोमड़ी इसको खा रही है, खरगोश को, तो क्या खरगोश लोमड़ी के लिए भोजन नहीं है, उत्पाद नहीं है क्या? जरा सोचिए, लोमड़ी के लिए खरगोश भोजन नहीं है क्या? खरगोश एक उत्पादक, उत्पाद नहीं है क्या? है ना, है ना। खरगोश उत्पाद है किसके लिए? खरगोश प्रोडक्ट है, खरगोश भोजन है किसके लिए? लोमड़ी के लिए। तो खरगोश, खरगोश जो एक उत्पाद है, किसने खा लिया? लोमड़ी ने खा लिया। तो ये उत्पादकता किसकी मानी जाएगी? उपभोक्ता की मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? जरा सोचिए, लोमड़ी भोजन है किसके लिए? शेर के लिए। ये उत्पाद है, ये अब ये उत्पाद है किसके लिए? शेर के लिए। तो ये एक उत्पादकता दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा? उत्पाद है कि नहीं है? है ना। तो मेरे भाई, वो उत्पादकता जो कौन दर्शाते हैं? परपोषी उपभोक्ता दर्शाते हैं, वो क्या कहलाती है? द्वितीय उत्पादकता। खत्म। तो सीधा सा था, स्वपोषियों का उत्पाद, स्वपोषियों का उत्पाद क्या कहलाएगा? प्राथमिक उत्पादकता। और परपोषी जो है उनका उत्पाद क्या कहलाएगा? आपकी क्या? द्वितीय, द्वितीय उत्पादकता। ठीक है, हो सकता है कहीं हो कि ये ऊपर से गया हो। एक सीधे से एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान से सुनना भैया। मैंने रोटी खाई, रोटी किससे बनी है? गेहूं से। रोटी आटा, आटा किससे? गेहूं से। गेहूं क्या है, किसका उत्पाद है? पेड़ों का। तो पेड़ों का जो उत्पाद जो होएगा वो क्या कहलाएगी? प्राथमिक उत्पादकता। सबसे पहले उसने उत्पाद पैदा किया। अब मैंने कहा, अब मैं खा रहा हूं चिकन। क्या खा रहा हूं? चिकन, यानी चिकन मतलब मैं वैसे तो हाँ नॉन वेजिटेरियन भी हूं, हूं बेटा, इसमें कोई वो नहीं है, दोहराई नहीं है। मैं बोलूं कि नहीं मैं वेजिटेरियन हूं, जो है सच सो है। सो मान लेते अगर मैं नॉन वेजिटेरियन हूं, मैंने नॉन वेज खाया, ठीक है, नॉन वेज यानी मान लेते चिकन खाया, बस चिकन ही खाता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, चिकन खाया है ना। चिकन जो था, वो जो मुर्गी जो थी, उसने क्या खाया था? दाने खाए थे। दाने कहां से आए थे? सर पेड़ों से आए थे। तो पेड़ों की उत्पादकता प्राथमिक। फिर वो दाने खाकर उसने भोजन बनाया अपने अंदर। जरा सोचिए, मुर्गी के अंदर भी तो कार्बनिक पदार्थ बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? बन रहे हैं ना। क्या उसके अंदर प्रोटीन नहीं है? मुर्गी के अंदर क्या उसके अंदर वसा नहीं है, लिपिड नहीं है, न्यूक्लिक अम्ल नहीं है ना, उसके अंदर भी तो उत्पाद है। वो मैंने जब खाया
तो वो मुर्गी मेरे लिए क्या थी? एक द्वितीय उत्पादक थी। प्राथमिक उत्पादक कौन है? पेड़ पौधे। द्वितीय उत्पादक कौन होंगे? जो परपोषी होंगे, समझ में आया। उनकी उत्पादकता क्या कहलाएगी? द्वितीय उत्पादकता। और जो पेड़ पौधों की उत्पादकता होगी वो क्या कहलाएगी? प्राथमिक उत्पादकता। डन। इतनी सी बात थी। अब ये हमारे कोर्स में इतना डिटेल में नहीं दे रखा, ये दे रखा है मेन। कौन और है भी कौन मेन? प्राथमिक उत्पादकता ही तो मेन है ना। अब इधर देखिएगा, जो प्राथमिक उत्पादकता जो होती है, प्राथमिक उत्पादकता जो होती है, ये है प्रभु बहुत इंपॉर्टेंट चीज। कितने बिंदु हो गए? ये हमारा दूसरा बिंदु था और अब ये तीसरा बिंदु। ये वाला बिंदु जो था इसी से संबंधित था, ठीक है। तीसरा बिंदु, बिंदु दर बिंदु मैं आपको पढ़ाता हूं, ध्यान से सुनना, है ना। तीसरा बिंदु है कि सर ये जो प्राथमिक उत्पादकता जो होती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है, बेटा ये भी अब दो प्रकार की होती है। प्राथमिक उत्पादकता भी दो प्रकार की होती है। कौन सर? प्राथमिक उत्पादकता भी दो प्रकार की होती है। हाँ जी, कौन कौन सी होती है? एक होती है सकल, सकल नहीं सकल, या इसको हम कुल भी बोल देते हैं, कुल प्राथमिक उत्पादकता। और दूसरी होती है नेट प्राथमिक उत्पादकता। दो प्रकार की होती है, एक होती है सकल प्राथमिक उत्पादकता और एक होती है नेट प्राथमिक उत्पादकता। सर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और इसको हम बोलते हैं एनपीपी, नेट, इंग्लिश में भी नेट, हिंदी में भी नेट, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। शॉर्ट में एनपीपी और यहां पर जीपीपी, ठीक है। अब क्या है सर? इसको समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूं, आराम से समझ में आ जाएगा। एक सिंपल सा सोचो, ये एक पेड़ है, ठीक है, और इस पेड़ ने आज इस पेड़ ने प्रकाश संश्लेषण किया। क्या किया? प्रकाश संश्लेषण किया। टोटल दिन में, यानी कुल प्रकाश संश्लेषण जब इसने किया, कुल टोटल प्रकाश संश्लेषण करने के बाद मान लेते इसने 1000 ग्लूकोज के अणु बनाए। क्या बोला हमने? इसने 24 घंटे में, यानी पूरे एक दिन में 1000 ग्लूकोज के अणु बना दिए। भैया प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है? ग्लूकोज के अणु बनते हैं। हमने माना, जस्ट एक एग्जांपल, ऐसा होता नहीं, जस्ट एक एग्जांपल मान के चलिएगा, इस पेड़ ने कुल प्रकाश संश्लेषण करके, टोटल फोटोसिंथेसिस करके 1000 ग्लूकोज के अणु बना दिए। डन, ओके सर। अब इन 1000 ग्लूकोज के अणुओं में से इसने क्या किया? 1000 ग्लूकोज के अणुओं में से इसने 400 खर्च कर दिए खुद के अंदर। क्या सर? वापस से सुनना, 1000 ग्लूकोज के अणु बनाए, हां बनाए, जिसमें से 400 इसने खर्च कर दिए। कौन सी प्रक्रिया में? जरा सोचिए, अगर मैं ग्लूकोज को तोड़ूं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है, क्या बनती है? ऊर्जा। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं प्रभु? इस प्रक्रिया को बोला जाता है श्वसन। और बिना श्वसन के कोई भी जिंदा नहीं रहता। कई बच्चे सोचते हैं श्वसन का मतलब सांस लेना सांस छोड़ना, नहीं बेटा, उसको बोलते हैं श्वास। उसको क्या बोलते हैं? श्वास, या संवातन बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं इंग्लिश में, रेस्पिरेशन। श्वसन का मतलब क्या होता है? कार्बनिक पदार्थों को तोड़ना जिससे ऊर्जा मुक्त हो सके, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं श्वसन। तो जरा सोचिए, एक पेड़ को जिंदा नहीं रहना, क्या जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। मैं ये लिख रहा हूं, क्या खर्च हो रही है मेरी ऊर्जा? मैं बोल रहा हूं, क्या खर्च हो रही है ऊर्जा? ये ऊर्जा मेरे अंदर कहां से आ रही है? श्वसन प्रक्रिया से आ रही है, नहीं आ रही है? तो जरा सोच, एक पेड़ के अंदर भी तो काम हो रहे हैं ना। एक पेड़ वाष्पोत्सर्जन नहीं कर रहा है, एक पेड़ जल को खींच नहीं रहा है, जरा सोच, एक पेड़ भोजन नहीं बना रहा। इन सारी प्रक्रियाओं में, जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं, सब में क्या खर्च होती है? ऊर्जा। ऊर्जा कौन सी प्रक्रिया से बनती है? श्वसन से। तो एक पेड़ श्वसन नहीं करेगा? करेगा। तो हमने बोला 1000 ग्लूकोज के अणु बने थे, जिसमें से 400 पेड़ ने खर्च कर दिए किसमें? श्वसन में। कितने बच गए? 600 बच गए। अब
अब सर 600 जो बच गए इसका क्या करेगा? ये सोचिए, जो 600 बच गए हैं क्या इसको निकाल देगा, फेंक देगा? नहीं, स्टोर करेगा, संचित करेगा, संचित करेगा, स्टोर करेगा। सर स्टोर क्यों कर रहा है? मान लो कल धूप नहीं आई, प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ, फिर 400 और चाहिए होंगे, कहां है फिर वो 400? हमने स्टोर कर रखे थे ना। इतनी सी बात थी। अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है प्रभु, तो सीधा सीधा याद रखना, जो टोटल कार्बनिक पदार्थ बनता है, जो कुल कार्बनिक पदार्थ जो बनता है, कुल कार्बनिक पदार्थ जो बनता है वो कहलाता है जीपीपी। ये है जीपीपी। एक पेड़ की जीपीपी क्या थी? कि वो टोटल जितना भी कार्बनिक पदार्थ बनाएगा, जितना भी प्रकाश संश्लेषण करके ग्लूकोज बना रहा है, वो उसकी क्या कहला रही है? जीपीपी। अब जरा सोचिए, इस जीपीपी में से उसने 400 इसमें खर्च कर दिए श्वसन में। श्वसन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। क्या रेस्पिरेशन को आर लिख दूं? आर लिख दूं? जरा सोचिए, जीपीपी यानी टोटल प्रोडक्टिविटी में से, कुल उत्पादकता में से उसने कुछ खर्च कर दी किसमें? श्वसन में। जो बच गई संचित हो गई, उसको हम बोलेंगे एनपीपी। तो जरा सोच समझ कर मुझे बताएं, क्या मैं यहां पर ये बोल सकता हूं, संचित उत्पादकता बोल सकता हूं? एनपीपी क्या थी? संचित उत्पादकता। अब आप मुझे बताइएगा, ये एक पेड़ है जिसने 1000 ग्लूकोज के अणु बनाए, जिसमें से 400 उसने खर्च कर दिए, खत्म हो गए भैया, 400 खत्म हो गए, खर्च हो गए, है ना? कितने बच गए? 600, स्टोर हो गए। अब जरा सोचिए, सिमिलरली इस पेड़ की जगह अगर मैं घास ले लेता हूं, मैं बोलता हूं ये घास है, इमेजिन करना घास है, घास ने क्या किया? 1000 ग्लूकोज के अणु बनाए, 400 खर्च कर दिए, 600 बच गए हैं। अब घास को अगर खरगोश खा जाएगा तो खरगोश को कौन सी उत्पादकता मिलेगी? जीपीपी मिलेगी कि एनपीपी मिलेगी? दिमाग लगाएंगे, जीपीपी मिलेगी कि एनपीपी मिलेगी? जरा सोचिए, ये घास थी, घास ने 1000 ग्लूकोज के अणु बनाए, 400 उसने खर्च कर दिए भैया, 1000 में से 400 खर्च हो गए, कितने बचे? 600। तो 600 इसके अंदर स्टोर है। तो जरा सोचिए, खरगोश जब इसको खाएगा घास को, तो उसको क्या मिलेगी? जीपीपी के एनपीपी? एनपीपी मिलेगी। तो एक पोषक स्तर से, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में, या यहां से यहां क्या जाती है? एनपीपी जाती है, जीपीपी नहीं जाती है। तो अब आप मुझे बताएं, क्या मैं फॉर्मूला लिख सकता हूं यहां पर? देखिएगा, जीपीपी इज इक्वल्स टू आर प्लस एनपीपी। दिमाग लगाए, लिख सकता हूं। अरे भैया, 1000 बनाए थे, 400 खर्च कर दिए, कितने रह गए? 600। नहीं हो गया बैलेंस? अब नीट में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? सिर्फ इस फॉर्मूले से पूछे जाते हैं। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, भूलना नहीं है। इस फॉर्मूले से नीट में प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखना। क्या थी जीपीपी? कुल उत्पादकता। क्या कहलाती है? जीपीपी। उसमें से कुछ भाग खर्च हो जाएगा श्वसन में, जो बच जाएगी, जो संचित हो जाएगी, वो क्या कहलाएगी? उसकी एनपीपी कहलाएगी। यहां तक की बात थी। आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है? अब बात करते हैं उत्पादकता के बाद में। ये हमने पूरा पढ़ लिया उत्पादकता। अब इसके बाद जो बारी आ रही है, वो आ रही है अपने